तो फ्रेंड्स, गर्मियों में हमारी स्किन पे पिंपल निकल जाते हैं, किल मुहासे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है हमेशा अनइवन नज़र आती है और झाइयाँ पड़ जाती है हमारी स्किन पे, रिंकल आ जाते हैं, एजिंग लाइनें आ जाती है। तो कैसे उन चीज़ों को चंदन पाउडर दूर करते हैं, ये लेमन फर्स्ट पैक के लिए, और उसमें हम डालेंगे टर्मरिक और चंदन पाउडर को मिक्स करेंगे और उसका आप अप्लाई कर लीजिए और उसको ड्राई होने दीजिए, फिर अपना फेस वॉश कर लीजिए। इस फेस पैक से क्या होगा गाइस कि जो आपके वो कील मुहासे है चाहे पिंपल है वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, चेहरा चमकने लगेगा। उसके बाद हमें सेकंड पैक के लिए चाहिए दही, उसमें डालेंगे खीरा कद्दूकस करके और उसमें हम डालेंगे चंदन पाउडर और उसको मिक्स करके अपने चेहरे पे लगा लेंगे। खीरा और जो दही है हमारे स्किन को ब्राइटन बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो आप ये फेस पैक, ये सारे फेस पैक आप वीक में 2 बार 3 बार जितना हो सके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि नेचुरल है। उसके बाद बात गाइस करते हैं कि आप ये जो चंदन पाउडर है तो इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं, पानी के साथ भी लगा सकते हैं, आपकी स्किन एकदम ठंडी रहेगी, तरोताज़ा रहेगी। और उसके बाद बात करते हैं गाइस, हमें लेना है बादाम, उसको पीस लेना है और चंदन पाउडर में मिक्स करके लगा लेना है। इससे आप लगाते ही आपको लगेगा कि आपकी स्किन कितनी एकदम ब्राइट हो गई है, एकदम शाइन करने लगी है। उसके बाद गाइस आपको लेना है चंदन पाउडर और उसमें एलोवेरा जेल को मिक्स करना है और अपने फेस पे लगा लेना है। जो एलोवेरा जेल होता है वो रिंकल को ख़त्म करता है, पिंपल को ख़त्म करता है, झाइयों को ख़त्म करता है। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो चंदन पाउडर होता है उसको आप ले लीजिए और उसमें गुलाब जल मिक्स कर लीजिए और इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। ये जो फेस पैक है, जब आप कहीं से आते हैं थके हारे, आप इसको अप्लाई करिए, आप अपने आप को एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। डेली के यूज के लिए हमें ऐसी कौन सी क्रीम चाहिए जो हमारे स्किन के ऊपर चमक लेके आए? तो मैं आज जो आपके लिए लेके आई हूँ गाइस, ये है ये लोटस प्रोफेशनल वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम, जो कि बहुत अच्छी क्रीम है। उसको मैं पिछले 15 दिनों से अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर, मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट लगा। पीछे मैं आपको बताऊं तो उस पर दिया गया है कि जैसे कि आपके दाग धब्बे हैं, जो झाड़ियाँ हो जाती हैं और अनइवन जो स्किन टोन रहता है, मतलब आप गोरे हो लेकिन चमक नहीं रहती आपकी स्किन के ऊपर, जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाता है, लाइट नहीं होता है, उन सबके लिए ये क्रीम परफेक्ट है। ये बहुत अच्छी क्रीम है ये। और इसकी बात करूँ मैं, पहले आपको प्राइस बता देती हूँ, तो ये 545 का है, ये 545 का, लेकिन ये मुझे 450 का मिला था ये। और ये आता है 50 ग्राम आता है ये, और इनमें SPF 25 PA++++ है, तो मुझे ज़्यादा धूप में रहने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि इतना तो सनस्क्रीन होना चाहिए, नहीं तो आप अलग से भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा धूप में रहते हो तो। ये बहुत अच्छा है ये, और यहाँ पे ये डायरेक्शन भी दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से इसको यूज करना है। तो अपने फेस को क्लीन कर लीजिए अच्छे तरीके से और उसके बाद इसको आपको अप्लाई करना है। इस तरह की कांच की बॉटल है इसकी, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे ये, और बहुत हैवी है ये, और लगता है कि मतलब जैसे आप ये डिब्बा देखते हो ना पहले, तो लगता है कि ये बहुत बड़ी शीशी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका जो बॉटल है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और क्रीम इसमें ओनली 50 ग्राम है। और इसकी क्रीम बहुत अच्छी लगी मुझे, पतली है बहुत, एक आप लगाओ कि उसी टाइम आपके स्किन के अंदर चली जाएगी और एक अलग ही ग्लो करेगा आपका चेहरा। इस पे जब ये इन्होंने लिखा है ना कि 7 दिन के अंदर ही ब्राइटन बना देगा आपके फेस को, तो बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि जो आपका स्किन टोन है वो उसमें थोड़ा बहुत फर्क लेके आता है ये। आप 5 से 6 दिन लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको अपने हैंड पे लगा के दिखा रही हूँ, ये देखिए ये एकदम से अंदर चला जाता है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है मेरे फेस के ऊपर। मैं एक गार्नियर लाइट लेके आई थी येलो कलर के विटामिन सी सीरम वाला, वो मेरे बिल्कुल सूट नहीं किया है और ये परफेक्ट है मेरे लिए। और इनमें कोई केमिकल नहीं है, ये प्योर ऑर्गेनिक है, जो भी केमिकल जो
हमारे फेस के लिए, फेस को जो डैमेज कर सकते हैं ना, तो वो इसमें नहीं है ये, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। हमें फेस के ऊपर चाहे अपनी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए जिनमें कि कुछ भी हार्मफुल केमिकल ना हो। तो ये मतलब प्योर आयुर्वेदिक है एक तरह से, इनमें कोई भी जो जो केमिकल होते हैं जो डैमेज कर सकते हैं हमारी स्किन को, वो सब नहीं है। तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं, और ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये है ये। और मैं इसको यूज करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं बात करूँ तो मैं अब खुद किस तरीके से यूज करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं पहले टोनर लगाती हूँ, उसके बाद अपना एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ थोड़ा सा, और देन इसको अप्लाई कर लेती हूँ। मेरी जो स्किन है वो परफेक्ट हो जाती है। बल्कि मैं कहीं जाती भी हूँ तो अलग से कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ, बेबी क्रीम या फाउंडेशन, मैं बस इसको लगा के चली जाती हूँ। ये इतना ठीक है। ये एक्सपायरी डेट की बात करूँ तो ये 2 साल तक ही आपका चल जाएगा। एक्सपायरी डेट इसकी 2 साल की।